माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उनके मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो ऐसे में वो क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, इस वक्त वो कहां पर है? देखिए अमित, माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, सिद्धार्थनगर से विधायक हैं, पूर्व यहाँ के स्पीकर रह चुके हैं। उनका कहना है कि वो संभल जाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं, जो पर लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलकर के सच जानना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन का बहुत साफ कहना है कि BNS धारा 163 का वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर अभी फिलहाल बाहरी लोगों के जिले में आने का, और खास तौर पर जो प्रतिनिधि मंडल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या विपक्ष के किसी भी दूसरे दल का, फिलहाल किसी को भी वहाँ आने की अनुमति इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि संभल में जो हालात बिगड़े थे अब हालात वहां धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तो प्रशासन की यह कोशिश है कि फिलहाल बाहरी कोई भी पक्ष वहां ना पहुंचे, कोई भी वहां नेता ना पहुंचे, कोई भी प्रतिनिधि मंडल ना पहुंचे, इसी वजह से फिलहाल सबको रोक लगाई जा रही है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे अब से कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे जाएंगे, लखनऊ में कार्यालय पे जाएंगे, और आगे की रणनीति के लिए वो अखिलेश यादव से भी बात करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में आज संभल डेलीगेशन को जाना है। लेकिन पुलिस का जो पहरा है वो बिल्कुल साफ बता देता है कि फिलहाल ऐसे किसी भी प्रतिनिधि मंडल को अपने पार्टी के मुखिया से पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है, क्या कदम उठाना है माता प्रसाद पांडे को। लेकिन जियाउर रहमान बर्क, शोएब, क्या सांसद साहब अपने इलाके का दौरा करने जा रहे हैं, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए अमित, अभी तो दिल्ली के इसी आवास में जो पंत मार्ग पर मौजूद है, जियाउर रहमान बर्क अंदर ही मौजूद है, उनकी गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है। हमें जो जानकारी मिली है, सिर्फ जियाउर रहमान बर्क ही नहीं बल्कि जो मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद है हरेंद्र मलिक और कैराना से सांसद इकरा हसन, वो भी दिल्ली में ही है और कुछ देर के बाद वो तीनों के तीनों इकट्ठा होंगे सांसद और फिर संभल के लिए निकलेंगे, इस तरह की खबरें हमारे पास अभी है। हालांकि रुचिवीरा का भी नाम है आप डेलीगेशन के अगर लिस्ट में देखेंगे, जो मुरादाबाद की सांसद है, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद मुरादाबाद कल पहुंच गई और वो वहीं से शामिल होने की कोशिश करेगी। सवाल ये है कि अगर ये तीनों सांसद यहां से जो दिल्ली में है निकलते हैं तो इनको दिल्ली से निकलने के बाद, क्योंकि चाहे हापुड़ का इलाका हो या फिर आगे आप बढ़ते हैं जब आप संभल के लिए जाते हैं अमरोहा का, तो कहां रोका जाएगा, क्या पुलिस की जो व्यवस्था है वो वहां पर उस तरह से नजर आएगी? क्योंकि ये साफ इशारा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिस तरह से हमने लखनऊ में देखा कि माता प्रसाद पांडे को एक तरीके से वहां पर, जिस तरह से वहां पर प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को, राजनीतिक किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, यानी जिले के अंदर, ताकि वहां पर जो माहौल फिर से खराब ना हो। बहरहाल ये पहली बार नहीं कि उत्तर प्रदेश में आप इसको देख पा रहे हैं, इससे पहले अगर याद हो बंगाल में भी चौंदशखाली में जब घटना हुई थी तो उस दौरान भी जो विपक्ष के नेता थे उनको अंदर जाने से रोका गया था। तो हर इलाके के, हर एक राजनीतिक पार्टी की ये एक कोशिश होती है कि अपने इलाके में किस तरह से राजनीतिक हवा को और गर्म ना होने दिया जाए, अपने पक्ष में रखा जाए।